हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लेके आए हैं तवा पे झटपट से, बिल्कुल चटपट आसा ना, मुंह में एकदम स्वाद का धमाका हो जाएगा और इतना अच्छा लगेगा खाने में। तवा जो है ये सैंडविच है और इतना टेस्टी लगेगा कि आप हर बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। यूं तो हमें सैंडविच मेकर चाहिए होता है, लेकिन आज मैंने इसे तवे पे बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बन जाता है और इतना चटपटा है, इतना टेस्टी है ना। समोसा, बर्गर, पैटी, ये सब उसके आगे ना बिल्कुल फेल है, बिल्कुल देसी रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने कुकिंग अड्डा पर आपका सबका स्वागत करती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, इससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे। तो चलिए इस चटपटे से, यम्मी से, टेस्टी से रेसिपी को बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से 2 चम्मच तेल गरम कर लें और जब ये थोड़ा गरम हो जाए तब आप इसमें डालें जीरा। तो आधा छोटा चम्मच आप इसमें जीरा डाल लें। साथ ही में यहाँ पे मैंने प्याज इस तरीके से 1 गठी प्याज को चॉप कर लिया है, वो मैं डाल देती हूँ। और जो बचा कुचा जो रह जाता है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो सारी प्याज आप इसमें डाल लें। प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, मत डालिए। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ। तो 2 हरी मिर्चें हैं ये, उसको मैंने काट के ऐसे ही डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं, तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको चला लें अच्छे से और हल्का हल्का सा ये सुनहरा होने तक इसको भून लें। साथ ही मैं यहाँ पे डाल देती हूँ अदरक, कुछ इस तरीके से कटी हुई अदरक आप डाल लें। अदरक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसीलिए आप इसमें अदरक ज़रूर डालें और इसको फिर दोबारा से चलने के लिए छोड़ दें। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्की हल्की सी इस तरीके से ब्राउनिंग हो गई है प्याज में। तो बस हमने इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भर के कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है मैंने। यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच भर के पाव भाजी मसाला और साथ में हल्दी, धनिया, मिर्ची और थोड़ी सी हींग भी, और इसमें डाल देते हैं। ये मसाले यानी कि ये इंग्रेडिएंट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो बस आप इसको चला लें। बहुत जल्दी से ये चल जाता है, बस आसानी से। और बस इतना सा भूनने के बाद अब आपके पास अगर कोई वेजिटेबल अवेलेबल है तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे है मटर, मटर को मैंने उबाल के डाला है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं आलू को मैश किए हुए। तो 3 बड़े आलू हैं मैश किए हुए, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और बस इसको आपको चलाना है और ये रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही चटपटा सा बनेगा। चाहे तो आप नमक मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हैं और या फिर एडजस्ट कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। लेकिन पाव भाजी मसाला डाल के ना तो ये एकदम से सब चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो ये हमारा अच्छा सा बढ़िया सा तवा सैंडविच बनने की फिलिंग हो गई रेडी। अब ले लेते हैं हम ब्रेड के स्लाइसेस। मैंने यहाँ 2 बड़े ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, मतलब दो दो करके। और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है और इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो बस ये क्लोज़ हो गया और अब ये तवे पे सिकने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए आप तवा गरम कर लें। मैंने वही पैन यूज़ कर लिया है क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सारे ना फ्लेवर्स बहुत सारे होंगे। और इसमें थोड़ा सा आप तेल लगा लें, चाहे तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसको रख देती हूँ इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे। हम इसे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं पकाएंगे। तो जब वो एक तरफ से पक जाएगा अब हम दूसरी तरफ इसको कर लेते हैं फ्लिप। तो ये देख बढ़िया सा आ गया ना टेक्सचर, बढ़िया सा। तो तवे पे ये दोनों ही सैंडविच मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। और अब ले चलते हैं इसको अपने चॉपिंग बोर्ड पे। तो यहाँ पे ये सैंडविच हो गए रेडी। अब आपको जब सर्व करना है ना तो आप इसे बीच में से इस तरीके से कट कर लें। और ये देखें, कट करने के बाद एकदम बढ़िया से सैंडविचेस नज़र आ रहे हैं। दूसरा वाला भी कर लेते हैं। तो ये 4 ब्रेड स्लाइस से 4 सैंडविच बन जाते हैं। ये हो गया डन, हमारे सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं। तो आप इसे चटनी के साथ, वैसे सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत चटपटे हैं।